शांति ओम शांति ओम शांति अभी हम सब भी किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा। क्यों फॉलो करना है? क्या बनने के लिए? ओके बनने के लिए। तो मेरा प्रश्न क्लियरली समझे, ओके बनना है तो ब्रह्मा बाबा लास्ट तक एक बात पर बहुत अपना पुरुषार्थ करके वो स्थिति को पाया है। कौन सा स्थिति? बोलिए, आत्मा के स्थिति, आत्म अभिमानी बनने का स्थिति। हम सभी एक बार ध्यान से अपने आप को पूछे, तीन प्रकार के बच्चे होते हैं बाबा को आत्मा के पार्ट में पास हुआ है। एक है आत्मा को जानने वाला, दूसरा है आत्मा को अनुभव करने वाले, तीसरा है आत्मा बन चुके हैं। सब ध्यान से एक बार फिर अंडरस्टैंड करो, आत्मा जानने वाले, आत्मा अनुभव करने वाले, आत्मा बन गए हैं। कौन कौन फर्स्ट कैटेगरी में पास है? आत्मा जानते हैं वो हाथ उठा। ओके, कौन हिम्मत रख के बोलते हैं आत्मा को अनुभव किया हूं वो हाथ उठे। वेरी नाइस, ध्यान से सोच करके उत्तर देना, मैं आत्मा बन गई हूं। बेल्जी आपको एग्जाम पेपर लेने देना पड़ेगा, अभी एग्जाम नहीं है, ऐसे ही पास कैसे मैं हूं आपको बताऊंगा आप आत्मा बने हैं ना बने हैं। इसके पहले मैं ध्यान बोर्ड के तरफ हो, देखिए ये पूरा संसार जो है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। मानते हैं ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड दो चीजों से बनता है, एक जड़ एक दूसरा चेतन। ब्रह्मांड किस चीज से बनता है? जड़ और चेतन। देख इस सारा ब्रह्मांड में दो चीज होता है, एक जड़ दूसरा चेतन। आपको देखने में कम नजर हो तो भी आपका अटेंशन इधर रखेंगे तो मैं बोलता हूं आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक होता है जड़, दूसरा होता है चेतन। जड़ का मतलब होता है जो ज्ञान नहीं होता है। देखो अभी ये मिट्टी होता है ना, सैंड मिट्टी, वो जड़ है या चेतन है? वो किस रूप में अंत में आता है? एक कण के रूप में आता है, एटम बोला जाता है कण। और इस शरीर में आत्मा जो है ना वो किस रूप में है? वो भी कण के रूप में है, वो भी एटम के रूप में है, वो चैतन्य है। वो जड़ और चैतन्य के अंतर क्या है? जड़ में ज्ञान नहीं होता है, चैतन्य में जड़ को जानने का ज्ञान होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? चेतन। चेतन क्या कहता है? मिश्र चेतन। ये मिश्र चेतन को हम अपने भाषा में प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। अभी हम सब इस शरीर में आत्मा है या नहीं? चेतनी है। और ये शरीर हमको देखने में है, ये जड़ है। अभी जड़ और चेतन दोनों मिलने पर एक प्रकृति हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? हो गया। इधर कितने भी बेटे हैं सभी को प्रकृति कह सकते हैं? कह सकते हैं हाँ। लेकिन एक प्रकृति को पहचान करने के लिए क्या दिया गया है? एक लेबल। वो लेबल को क्या कहते हैं? नाम। वो लेबल को क्या कहते हैं? नाम। अभी हम क्या कर दिया, अनजान से अज्ञान से
हम क्या कर दिया, हमको जो नाम दिया है वो नाम को खुद मानते मानते जो चैतन्य है उसको भूल गए। विश्व चेतन में एक पहचान के लिए नाम दिया गया। अभी इसका नाम क्या है, ये एक मार्कर है, इसका नाम कुछ फैबर है। ये नाम इस मार्कर को दिया हुआ लेबल, लेकिन ये मार्कर को ही मैं फेबर समझो तो ये गलत है या नहीं गलत है? गलत है। अभी क्या होता है, बाबा हम बच्चों को कहते हैं हर मुरली में, हर दिन हम साकार मुरलियों में स्टडी करते आते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अब बच्चे अपने को आत्मा समझो। सब क्या है, समझ का मतलब क्या है? सुनना अलग बात है, समझना उससे ऊपर की बात है। समझ इज डिफरेंट और सुनना डिफरेंट है। हमारे नाम को हम जब हम खुद मानता है उसको ही बाबा क्या कहते हैं, देहबान देहाभिमान कहते हैं, उसको ही अहम कहते हैं। अहम, अहम का मतलब क्या है, अहंकार। अभी क्या क्या बात आपको ठीक से जानना है, एक जड़ है प्रकृति का स्वरूप, चैतन्य है आत्मा, जड़ और चैतन्य के मिलावट से एक जिंदा रूप आ जाता है, इसको विश्व चेतन कहते हैं। इस विश्व चेतन के पहचानने के लिए एक नाम दिया गया है, वो नाम है केवल अमृता है, आपृता है। आपृता नहीं, पक्का 100%। आप रानी है, नाम रखना रानी है, आप रानी है या आपका नाम रानी है, नाम रानी पक्का, दोनों क्लियर है। मेरा नाम रीता है, मेरे नाम राम। अभी मैं एक सिचुएशन लेके आता हूं, आप रानी नहीं, आप रीता नहीं, तो आप कौन है? ये तो आपको पक्का हो गया, पास 100%। देखिए अभी तीसरे महीने होते हैं, अब आपका नाम क्या है? तीन जन, सविता, 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 ओके। अभी सी ऐसे समझो, आत्मा हुआ है नहीं हुआ है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी रानी बहन रीता बहन दोनों भी, रीता बहन दोनों भी एक बाजू में बैठ के एक कोने में कोई सड़क पर या कोई पार्किंग एरिया या कोई गार्डन के पास एक बात लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये सविता बहन ये तो बहुत नटखट है, ये तो कुछ कहते कुछ है करते कुछ है, उसका दिमाग खराब है, वो ऐसे करता है वैसे करता है कुछ, वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, सीन समझो। अभी सविता बहन पता नहीं है कौन क्या बोल रहे, कौन कहा क्या क्या बातों को डिस्कस कर रहे, वो नॉर्मली जा रहे। जब वो इसका अंदर की आग जलन हो जाता है, हीट हो जाता है, जैसे कूल वाटर को आप जब गर्म के संबंध में लाते हैं तो वो गर्म कैसा होता है, ऐसे गर्म होता है, तब सविता बहन सहन नहीं कर सकता है, बीच में आकर के और एक रानी बहन और रीता बहन से पूछते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, मेरे बारे में इतना गलत बातें क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा। तब रीता बहन, बहन जी थोड़ा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, मैं तो यहाँ के कानपुर में रहने वाले ब्रह्मा कुमारी, कौन सा बहन, वो कौन सा बहन, सविता बहन के बारे में मैं नहीं, नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो राजस्थान में हमारे आसपास के गांव में रहने वाले एक सविता बहन है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो वो सविता बहन को, वो मेरे बारे में नहीं, वो ठंडा हो तो इतने समय वो क्या बन चुके थे, क्या बन चुके थे। मैंने जब प्रश्न पूछा क्या बोला, आप कौन है, आप कौन है, तो क्या बोला, आत्मा है। तो इतना समय आप आत्मा हुआ था या रीता या क्या रानी या सविता, क्या हुआ था, क्या हुआ था, किसको अटैच हो गया था, किसको
किसको अटैच हो गया था? फिर नाम को अटैच हुआ तो वो जो जलन हुआ ना वो किसको हुआ? देखो आत्मा को जलन हुआ बोलते हैं सबसे बड़ा गलत है। हम दीखे लोगों को इस पर ही ऑपरेशन करना। ये आत्मा को जलन नहीं होता। एक तरफ आप ही लोग कहते हैं मैं आत्मा शांत सुन, मैं आत्मा प्रेम सुन, मैं आत्मा आनंद सुन, मैं आत्मा कृष्ण सिंह हूँ। और दूसरा कहता है मुझे जलन होता है, मेरे आत्मा को क्रोध आता है। ये आत्मा को नहीं होता है। मूल रूप से आत्मा जो है उसको कहते हैं सचित आनंद स्वरूप। आत्मा का मतलब क्या है? सचित आनंद स्वरूप। तो एक जलन हुआ किसको हुआ? आत्मा को हुआ। शरीर शरीर तो मरे हुए मुर्दे के पास जाकर के बोलो तो वो जिंदा होकर के आपके पास आकर के झगड़ा करता है ना? शरीर को नहीं हुआ, आत्मा को नहीं हुआ। ए, बीच में एक जन्म ले लिया वो अहंकार ईगो अहम उसको होता है। वो अटैच होके रहते हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। अच्छा आप सबको भी एक बात स्पष्ट करता हूं बाबा, हम बच्चों को ये बात तो पक्का करा दिया। मैं डैश बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अभी मेरे को करेक्ट तरीके से आंसर दीजिए, मैं और आत्मा दोनों एक चीज है या अलग अलग है? जो कहते हैं एक चीज है हाथ उठा, जो कहते हैं अलग है हाथ उठा। जो हाथ ही उठाते नहीं है वो पार्टी जंप होने वाला हाथ उठा। जहां मेजॉरिटी होते हैं वहां जंप हो जाए। देखो इधर ये बात समझो, मैं आत्मा इधर दो चीज है, एक ही है। मैं का मतलब होता है अहम ईगो। ये ईगो को अब आत्मा में क्या करना है? देखो इधर आत्मा है, इधर अहम है। ये आत्मा जो है वो ओरिजिनली जैसे है वैसे है। ये अहम बीच में जन्म ले लिया है, जो खुद का स्वरूप अज्ञान स्वरूप को खुद मान लिया है। वो अज्ञान स्वरूप को आत्मा में क्या करना है? हमको मर्ज करना है। इसीलिए बाबा ने हमको क्या सिखाया? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं तो बाबा ये कह सकते थे मैं आत्मा के बदले चुपके बोलो आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये बोल सकते थे। लेकिन बाबा ने क्या कराया? आत्मा को जो है जैसा है वो ओरिजिनली प्योर है, उसमें मैं को क्या किया? समा दिया, उसको मैं में समाप्त कर दिया। वो मैं को आत्मा में समाप्त करने के लिए हमको ये पॉइंट सिखाया, मैं आत्मा हूं। सबको समझ में आया? हाँ जी। बीच बीच में मैं तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, नहीं तो इधर जैसे लोरी कर रहे हैं आप सब नींद कर रहे हैं ऐसा हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव है हम सभी अगर आत्मा बन गए तो हमको अंदर कुछ भी किसी के बात से दुख नहीं फील होता है। कोई हमारे बारे में कोई भी शब्द अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, कोई तरह से हमको तिरस्कार की बातें बोलते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं तो भी दुख नहीं होता है। इसका प्रमाण है हम आत्मा बने हैं, क्योंकि हम आत्मा में आ गया, हम आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया का मतलब क्या है? अहंकार से